नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। केरल में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को कायर, अहंकारी और मनोरोगी बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री दूसरों को परेशान करके आनंद लेने वाले हैं। कांग्रेस ने सीएम पर आरोप लगाया कि वो प्रदेश को गुंडों की भूमि में तब्दील कर रहे हैं। दरअसल तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस ने डीजीपी कार्यालय और बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के सांसद, विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों की थी, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मामले का जिक्र करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जिम्मेदार ठहराया है। वेणुगोपाल का कहना है कि जिस तरह से युवा कांग्रेस और केरल छात्र संघ के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्यवाही की, उससे चलता है कि सीएम हिंसा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएम दूसरों को दुख देकर खुद सुख का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केरल को गुंडों का राज्य बनाया जा रहा है, इसके लिए सीएम जिम्मेदार हैं। एक दिन पहले पार्टी नेताओं के साथ मंच के पास खड़े केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरण को आंसू गैस के गोले के प्रभाव के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। केपीसीसी प्रमुख ने कोच्चि में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विजयन पर निशाना साधते हुए उन्हें मनोरोगी कहा है। उन्होंने कहा है कि जैसा काम सीएम ने किया है, ऐसा काम कोई मनोरोगी ही कर सकता है। आपको बता दें, केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस पार्टी के मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकरण, सतीश और सांसद शशि थरूर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।